Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा ने अमेरिका से परवाजें रोक दी, पाबंदी 3 दिन के लिए नाफिज की गई है। वजीर पब्लिक सेफ्टी कहते हैं पाबंदी में आइंदा इजाफा भी हो सकता है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाकियात के बाद क्रिसमस के मौके पर सूबे भर में लॉकडाउन का इम्कान पैदा हो गया, लेकिन हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 5,07,795 हो गई, जबकि कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,228 हो गई। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,71,84,964 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 16,99,878 हो गई। अमरीकी अराकीन कांग्रेस ने 900 अरब डॉलर के कोरोना इमदादी पैकेज पर इत्तेफाक कर लिया। 600 डॉलर के इमदादी चेक और बेरोजगारों को 11 हफ्तों तक 300 डॉलर फी हफ्ता दिया जाएगा। सार्फियत ने क्रिसमस को अगवा कर लिया है। पॉप फ्रांसिस कहते हैं ईसाई मजहब के पैरोकार क्रिसमस के मौके पर चीजों की खरीदारी में खुद को गर्क ना करें। सदर ट्रंप इंतखाबी नतायज के खिलाफ फिर से अदालत पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी रिवायात के बरक्स ताहाल हरीफ को फतह की मुबारकबाद नहीं दी है। अमरीकी गुलूकारा अरियाना ग्रांडे ने मंगनी कर ली। अरियाना ग्रांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंगेतर के साथ चंद तस्वीर शेयर करने के साथ साथ अपनी अंगूठी की तस्वीर भी दिखाई। करीना कपूर अदाकारी के बाद मुसन्निफा भी बन गईं। करीना कपूर ने बेटे तैमूर अली खान की सालगिरह पर अपनी किताब अगले साल मार्केट में लाने का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से जारी इकदामात के तहत कनाडा ने भी अमरीका से परवाजें रोक कर मुतादिद यूरोपीय ममालिक में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नए कोरोना वायरस के तनाव के जवाब में कनाडा ने भी अमरीका से परवाजें रोक दी। नई पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल करार दे दी गई, जिनका इत्तला आइंदा 72 घंटों तक रहेगा। ट्रांसपोर्ट कनाडा को एयरमैन ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अमरीका से मुसाफरों की आमदोरफ्त करने वाली तमाम तजारती और निजी चार्टर परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। नई पाबंदी का इत्तला हिफाजती वजूहात की बिना पर आइंदा 72 घंटों तक रहेगा। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लंदन के हवाई अड्डों से रवाना होने वाली कम से कम 10 नॉन स्टॉप परवाजें टोरंटो, 4 मॉन्ट्रियल और 2 वैनकोवर में पहुंची। वजीर पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी बिल ब्लेयर ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाबंदियां इब्तदाई तौर पर 72 घंटों के लिए आयद की गई हैं, ताहम इनमें तौसी भी की जा सकती है। एयर कनाडा के मुताबिक कनाडा और लंदन के हीथ्रू हवाई अड्डे के दरमियान तमाम परवाजें भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। जनूबी इंग्लैंड में कोरोना वायरस की नई कशीदगी के बाद यूरोपीय यूनियन के मुतअद्दिद ममालिक ने भी अमरीका से परवाजों का सिलसिला मुअत्तल कर दिया है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इशारा दिया है कि नावल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद के लिए इजाफी इकदाम के बारे में ऐलान जल्द किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اونٹیریو میں کرسمس کے موقع پر صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا امکان ہے۔ اعلی حکومتی حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ آئندہ مارچ میں صوبے بھر میں پوری طرح سے لاک ڈاؤن نافذ ہوگا، اس دوران صرف ضروری کاروبار ہی کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں موسم سرما کی چھٹیوں کو توسیع دی جائے گی، تاہم اس کے دورانیے سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے اشارہ دیا ہے کہ نارمل کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کے لیے اضافی اقدامات کے بارے میں اعلان جلد کیا جائے گا۔ گزشتہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کووڈ 19 کی ماڈلنگ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ صوبائی حکومت نے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیوبک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 14,228 ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 5,07,795 ہو گئی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 14,228 ہو گئی ہیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,76,985 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7,736 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,55,930 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,150 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 90,219 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 885 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 45,400 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 724 ہے۔ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,24,869 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,71,84,964 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 16,99,878 ہو گئیں، جبکہ 5,41,01,196 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,24,869 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,82,67,579 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,45,843 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,56,248 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,86,773 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 72,38,600 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 50,858 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 28,48,377 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 60,549 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 24,73,354 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 68,799 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 19,53,185 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,122 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,61,010 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی کانگریس میں کورونا پیکج کے حوالے سے 7 ماہ سے جاری تعطل کا خاتمہ ہو گیا، اور کانگریس اراکین نے 900 ارب ڈالر کے امدادی پیکج پر اتفاق کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی اراکین کانگریس نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 900 ارب ڈالر مالیت کے امدادی پیکج پر اتفاق کر لیا۔ امریکی کانگریس میں کرونا پیکج کے حوالے سے 7 ماہ سے جاری تعطل کا خاتمہ ہو گیا، اور کانگریس اراکین نے 900 ارب ڈالر کے امدادی پیکج پر اتفاق کر لیا ہے۔ سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ مکونل کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلیکنز دونوں نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ $600 کے امدادی چیک اور بے روزگاروں کو 11 ہفتوں تک $300 فی ہفتہ دیا جائے گا۔ رواں سال کے آغاز پر 80% امریکیوں کو پہلے ہی چیک دیے جا چکے ہیں۔
कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का कहना है कि सार्फियत ने क्रिसमस को ही चुरा लिया है। खरीदारी से बेहतर है कि जरूरतमंदों को चीजें खरीद कर दें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का कहना है कि सार्फियत ने क्रिसमस को अगवा कर लिया है। सेंट पीटर्स स्क्वायर में खिताब के दौरान पोप फ्रांसिस ने ईसाई मजहब के पैरोकारों से अपील की कि क्रिसमस के मौके पर चीजों की खरीदारी में खुद को गर्क न कर दें, इन सोचों में न डूबें कि ये तोहफा नहीं लिया और वो चीज रह गई। पोप फ्रांसिस का कहना था कि सार्फियत ने क्रिसमस को ही चुरा लिया है। बैतलहम के कुंडे में सार्फियत नहीं, वहाँ सिर्फ हकीकत, गुर्बत और मोहब्बत है। उनका कहना था कि अपने लिए खरीदारी से बेहतर है कि जरूरतमंदों को चीजें खरीद कर दें। अमरीका की कई विफाकी और रियासती अदालतों से इंतखाबात में धांधली के मुकदमात खारिज किए जाने के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वानिया के इंतखाबी नतायज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि डाक के जरिए डाले गए वोटों में बेजाबतगियां हैं, इसलिए अदालत पेंसिल्वानिया की जनरल असेंबली को अज खुद रियासत के इलेक्टोरल्स का इंतखाब करने की इजाजत दे। सदर ट्रंप के वकील रूडी जोलियानी ने मीडिया को बताया कि पटीशन में जो बाइडन के हामी इलेक्टर्स की तकर्री रोकने का भी मुतालबा किया गया है। अलावा अजी दरख्वास्त गुजार ने पटीशन की अहमियत को देखते हुए 6 जनवरी से कबल समाअत की दरख्वास्त की है। माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेंसिल्वानिया के इंतखाबी नतायज मुस्तरद करने का इम्कान ना होने के बराबर है। ताहम अगर ऐसा हो भी जाए तो मजमूई तौर पर इंतखाबी नतायज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नौ मुंतखब सदर बाइडन ही फाते रहेंगे। वाजह है कि हालिया सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन ने 306 इलेक्टोरल वोट हासिल करके ट्रंप को शिकस्त दी थी और वो अपने ओहदे का हल्फ आइंदा माह उठा लेंगे। अमरीका की नामूर गुलुकारा और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली खातून आरियाना ग्रांडे ने मंगनी कर ली। गुलुकारा आरियाना ग्रांडे की वालदा ने भी बेटी की मंगनी पर खुशी का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की नामवर गुलुकारा और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली खातून आरियाना ग्रांडे ने मंगनी कर ली। 27 साल आरियाना ग्रांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंगेतर के साथ चंद तस्वीर शेयर करने के साथ साथ अपनी अंगूठी की तस्वीर भी दिखाई। गुलुकारा आरियाना ग्रांडे की वालदा ने भी बेटी की मंगनी पर खुशी का इजहार किया। आरियाना की वालदा ने अपने पैगाम में कहा कि मैं अपने खानदान में डाल्टन गोम्स का इस्तकबाल करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। आरियाना, मैं तुमसे और डाल्टन गोम्स से बहुत प्यार करती हूँ, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर एक बार फिर उम्मीद से हैं और नए साल में उनके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। इसके साथ साथ अदाकारा करीना कपूर ने अपनी किताब अगले साल मार्केट में लाने का ऐलान किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने बेटे तैमूर अली खान की सालगिरह पर अपनी किताब अगले साल मार्केट में लाने का ऐलान किया है। करीना कपूर एक बार फिर उम्मीद से हैं और नए साल में उनके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। करीना कपूर ने बेटे तैमूर अली खान की चौथी सालगिरह पर सोशल मीडिया पर अपनी किताब अगले साल पब्लिश करने का ऐलान किया, जबकि उनकी किताब का नाम करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल है। करीना कपूर ने दौरान हमल पेश आने वाले वाकयात और तजुर्बात का अहाता किया है। किताब में दौरान हमल, खुश रहने और दीगर मसाइल के हल भी पेश किए गए हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।